जमशेदपुर संथाल स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा करंडी में बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा और सरकार से पूछा कि संथाली भाषा और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की बहाली कब होगी। वहीं प्रशिक्षित शिक्षकों ने कहा कि झारखंड सरकार अब तक संथाली भाषा और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की बहाली अब तक नहीं की गई है, जिससे प्रशिक्षित शिक्षकों में काफी रोष है। हम लोगों ने सरकार को कई बार इस मामले को लेकर अवगत कराया है, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार की पहल अब तक नहीं दिखाई। झारखंड अलग होने के बाद पीजीटी के वैकेंसी आए, लेकिन अब तक संथाली भाषा और अन्य जनजातीय भाषा के वैकेंसी से दरकिनार रखा गया है। इसी विषय को लेकर 3 जुलाई को जिला उपायुक्त कार्यालय के समीप हम लोग एक दिवसीय धरना देंगे। ये कहना चाहेंगे कि आपके न्यूज के माध्यम से सरकार को और जनता को यह बता देकर देखेंगे, झारखंड राज्य झारखंड वासियों के लिए, यहाँ के मूलवासी या आदिवासियों के लिए बना है, लेकिन यहाँ से झारखंड वासी को ठगा जा रहा है, हर दिन ठगाते जा रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार के क्षेत्र में, आप देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है शिक्षा, शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन झारखंड युवकों को अपने मातृभाषा आधारित शिक्षा नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ का जो मैडम पहले बोली, जो यहाँ का प्राइमरी स्तर में भी बहाली नहीं हुआ है, टीजीटी पीजीटी प्रोफेसर लेवल का भी कहीं नहीं हुआ है, तो उसको लेके अभी सभी संथाल समुदाय के साथ साथ अन्य जितने भी आदिवासी समुदाय है पूरे झारखंड में रोष जता रहे हैं और सरकार से बहुत निराश है, क्योंकि हमारा जो सरकार है वो भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनको भी कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, विधानसभा सत्र में जाके विधानसभा सभागार में ही हम लोग उनको कई बार चिट्ठी दे चुके हैं। इसके बावजूद कुछ पहल नहीं हो पाया है सरकार के द्वारा। स्थानीय विधायक को भी कई बार हम लोग ज्ञापन दिए हैं और उनको ये रिक्वेस्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र के शून्यकाल में आप लोग प्रश्न को उठाइए, तो वो लोग अपना स्तर से मतलब प्रश्न को उठाए भी हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि सरकार का ध्यान इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सब